क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ्स व्हिच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. Students, synthetic fibers and plastics समझने के लिए हम पहले activity करेंगे जो हमने class 7th में पढ़ा, class 6th में पढ़ा, उसी को revise करेंगे। सबसे पहले तो हम मालूम करें natural और artificial दो type के fibers होते हैं। Natural fibers जो animals और plants से मिलते हैं, artificial fibers जिसको हम synthetic fibers भी कहते हैं, वो हमको फैक्ट्रीज में बनाते हैं हम केमिकल्स के थ्रू। तो अपने आसपास की सराउंडिंग्स की चीजें लीजिए, लाइक योर स्कूल बैग, योर यूनिफॉर्म, है ना, मम्मी की साड़ी, जो भी चीजें, उन आर्टिकल्स के नाम लिखिए, रोप जिस पर आप रस्सी टांग कपड़े टांगते हैं, है ना, रस्सी, वो ऐसे इन सब के नाम लिखिए और वो किस फाइबर से बने हुए उसका आप यहां नाम लिखेंगे, नेचुरल है या आर्टिफिशियल फाइबर। Why did you label some fibers as artificial? अब आप देखेंगे कुछ पे आपने artificial लिखा है या synthetic लिखा है। Synthetic और artificial का मतलब एक ही है, ध्यान रखिएगा। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. Artificial fibers को हम synthetic तो कहते हैं, साथ में man-made fibers भी कह सकते हैं। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप ये माला को देखिए, इसमें अलग अलग बीड्स हैं, ओके, इसको एक धागे से, एक थ्रेड से पिरोया गया है। और try to join a number of paper clips को आप join कीजिए together to make a long chain, जैसे आपने इस फिगर में देखा। ओके, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों में कुछ खासियत है एक जैसी? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टूगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी इसी तरीके की चेन होती है, छोटी छोटी यूनिट्स की, ज्वाइन करती है एक दूसरे को। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और हर छोटी यूनिट जो फाइबर होती है सिंथेटिक, उसमें खुद की एक, अपने आप में एक केमिकल सब्सटेंस की यूनिट है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. ऐसे छोटी छोटी units मिलकर जब जुड़ जाती हैं, एक single large unit बनाती हैं, उसे हम कहते हैं polymer. The word polymer comes from two Greek words. Polymer में दो Greek भाषा के शब्द जुड़े जाते हैं, poly, P-O-L-Y, poly meaning many, इसका मतलब होता है बहुत सारे, and mer, M-E-R, mer, mer mean part या unit. तो बहुत सारे पार्ट जब एक साथ इकट्ठा होते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर्स ऑकर्स इन नेचुरल नेचर आल्सो। पॉलीमर्स नेचर में मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन किससे बनता है? सेलुलोज से। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट जब आपस में जुड़ती है तो सेलुलोज बनाती है। सेलुलोज से क्या बनता है? कॉटन फाइबर, जिसकी आप शर्ट पहनते हैं।